हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में आज हम इन्वायरमेंट पोर्शन ऑफ जे एस थ्री मेन्स दैट वॉज कंडक्टेड रिसेंटली बाय यूपीएससी को डिस्कस करेंगे अगर आप इन्वायरमेंट का पोर्शन देखेंगे तो पांच क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द इनवायरमेंट पार्ट एंड ऑल ऑफ दीज वर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वर इन न्यूज इफ नॉट मोर फ्रीक्वेंटली देन देवर इन न्यूज एंड देवर ऑन प्रडिक्टेबल लाइन्स फॉर इंस्टेंस uh, अगर हम वेटलैंडस की बात करें तो सेवेंटी फ़िफ्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था दो हज़ार बाईस और उसमें सेवेंटी फ़ाइव रामसर साइट्स और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस वर्ड नोटिफाइड तो वो न्यूज़ में था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोरलेस हमेशा uh, न्यूज़ में रहते हैं बायोफ्यूल्स पे क्वेश्चन था बायोफ्यूल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तो अगर मैं इन्वायरमेंट पार्ट की बात करूँ तो इट वॉज़ अ मॉडरेट लेवल पेपर एज फार एज इन्वायरमेंट क्वेश्चन वर कंसर्न एंड सेकेंडली अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है और अगर आप ये पेपर लिखने गए थे तो यू वुड हैव फेल्ट कि इट हेल्प द आंसर राइटिंग द टेस्ट दैट यू हैड गिवन वुड हैव हेल्प्ड यू इन दिस पेपर डेफिनेटली राइट बिकॉज अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं या बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं आते हैं या उन टॉपिक से आते हैं जो आपने नहीं सुने हैं अगर मतलब तो पेपर मुश्किल नहीं होता है फिर बात आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स पे आ जाती है दैट इज़ वट आई वॉन्टेड टू कन्वे राइट सो आइए देखते हैं कौन से थे ये पांच क्वेश्चंस और शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अब स्लीपी क्लासेस भी इंस्टॉलमेंट्स ऑफर करता है सो विच मेक्स दी ऑलरेडी अफोर्डेबल कोर्स इवन मोर अफोर्डेबल तो अगर अभी आप पैसे नहीं जुटा पा रहे थे किसी कोर्स के लिए तो अब आप थ्रू इंस्टॉलमेंट्स यू कैन बाय दैट कोर्स यू कैन कॉल ऑन आर टोल फ्री नंबर एंड गेट ऑल द डिटेल्स एंड लाइक आई वॉज ट्रेसिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग तो अगर आप दो हज़ार चौबीस का अटैम्प्ट देने वाले हैं तो हमारे पास संकल्प आंसर राइटिंग कोर्स है विच इज़ सॉट ऑफ डेली आंसर राइटिंग कोर्स विच विल कवर द होल सिलेबस एंड यू वुड बी राइटिंग आंसर्स ऑन द होल सिलेबस एंड इट विल गो ऑन अन्टिल जनवरी एंड सो विच इज़ द आइडियल टाइम टू स्टॉप द मेन्स प्रेपरेशन एंड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन प्रलम्स तो एक तरह से आपको प्री की तैयारी फुल थ्रॉटल करने से जस्ट पहले तक अगर आप उसको बेटर यूटिलाइज करना चाहते हैं टाइम को तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए मीन्स आंसर राइटिंग और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो खुद से कीजिए दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड राइट ओके नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन सो वी हैड फाइव क्वेश्चन सो टू व फ्रॉम द रिन्यूबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट वन इज़ द बायो फ्यूल्स एंड द अदर इज ऑन द ईवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स Then one from pollution that was on oil pollution. Then you had one on climate change that was uh, basically on the <clears throat> sea level rise. And then uh, one was on wetlands. So, total five questions two were 10 marker and three were 15 marker. That is a comparatively higher, uh, you can say. मार्क्स इन द टोटल यू नो जी एस थ्री पेपर ऑफ एनवायरमेंट तो इस बार एनवायरमेंट का जो वेटेज था काफी सही रहा सो अगर हम क्वेश्चन देखें इस तो पहला जो क्वेश्चन था डिस्कस द सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज तो फेली स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ऑन बायो फ्यूल्स नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ऑयल पॉल्यूशन ऑयल पॉल्यूशन होता क्या है और कैसे ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स को इम्पैक्ट मेरीन इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है एंड हाउ इज इट हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया ठीक है सो दैट वर थ्री टू टेन मार्कर्स एंड नाउ दीज थ्री आर द फिफ्टीन मार्कर्स राइट नो वेन वी टॉक अबाउट द फिफ्टीन मार्कर्स वन क्वेश्चन इज ऑन ईवीज राइट द अदर क्वेश्चन इज ऑन वेटलैंड्स एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन सी लेवल राइज तो अगेन मैं अगर रियाइ्रेट करूँ इस बात को तो पेपर में जो टॉपिक्स थे वो डिफ़िकल्ट नहीं थे अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है तो ये आपके लिए पेपर एट लीस्ट एनवायरमेंट पोर्शन वॉज़ फेली इजी टू अटैम्प्ट राइट नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन वन बाय वन और अगर आप पहला अटैम्प्ट दो हज़ार चौबीस में देंगे तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ बैठिए और अपने आप से इन क्वेश्चन को लिखिए एंड देन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन राइट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सेवरेल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गैनिज्म कैन हेल्प इन मीटिंग द करेंट फ्यूल शॉर्टेज अब जब हम इंडिया में बात करते हैं आ, फ्यूल शॉर्टेज की तो आपको ना एक चीज़ आ, देखनी है कि जब भी हम कन्वेंशनल फ्यूल्स की या फॉसल फ्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे देश में वी हैव इम्पोर्ट डिपेंडेंस ठीक है We have lack of energy security. Okay, we spend a lot of forex. Okay, that is with respect to India. And then the conventional fuels also cause a lot of pollution, and they emit out greenhouse gases, which is responsible for the climate change. Up. जब हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे फ्यूल शॉर्टेज को ओवरकम कर सकते हैं तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि फ्यूल शॉर्टेज क्यों है बिकॉज ऑफ़ दिस रीजन्स उसके बाद जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं दे आर इवन हार्मफुल बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स सो वी हैव वॉट वी कॉल एज बायो फ्यूल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर फॉर्मेशन एंड यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फ्यूल्स हाउ डोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन दयर फॉर्मेशन ठीक है इंट्रोडक्शन हो गया आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन बायोफ्यूल्स में हेल्प करते हैं इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है इनको और प्रमोट करने के लिए एंड फाइनली You can write one or two benefits, additional benefits, or the challenges and the way forward. Way forward could be more of such initiatives so that we can replace the conventional fuels to an extent as much as is possible. Okay, so that would be your structure. So, like we have covered this in our lectures, for instance, you have uh, about biofuels, microbial fuel cells. Hain. Uh, जहाँ पे माइक्रोब्स क्या करते हैं जो बायोमास का ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड दैट कैन बी यूज़ टू पावर लेट्स से ईवीज आल्सो राइट दैन बायो इथोनॉल है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई दी फॉर्मेंटेशन फ्राम द यू नो फ्राम दी कार्बोहाइड्रेट्स और दुगर्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लान्ट दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गैनिज्म सिमिलर्ली बायोगैस हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस करते हैं इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इस प्रोसेस को बायोमीथोनेशन भी कहा जाता है एनोरोबिक डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है तो माइक्रो ऑर्गैनिज्म डेफिनेटली जो है फ्यूल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और उसके बाद यू कैन राइट दैट दिस बायो इथेनॉल इज देन ब्लेंडेड विद पेट्रोल एंड यूज बायो गैस इज यूज इन रूरल एरियाज ठीक है फॉर द फॉर मीटिंग द फ्यूल रिक्वायरमेंट्स ठीक है बी इट हीटिंग बी इट इलेक्ट्रिसिटी राइट एंड देन एम एफ सीज कैन बी यूज फॉर ईवीज ठीक है सो दैट कैन बी योर द मेजर पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो यू कैन मैंशन अबाउट सिन गैस दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसड फ्रॉम बायोमास तो सिन गैस कार्बन मॉनऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है जो बायोमास से हम प्रोड्यूस करते हैं वेन देयर इज नॉट इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और ये जो सिन गैस है ये फिर फर्दर फ्यूल्स में की प्रोडक्शन में यूज़ होता है जैसे मेथनॉल बायो हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में यूज़ होता है सो ऑल ऑफ़ दीज फ्यूल्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ़ॉर हीटिंग एंड फ़ॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ठीक है तो ये फ्यूल्स इन तीनों के लिए यूज़ होते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मेजर्स ले रही हैं तो आपके पास सबसे पहले जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन बायो फ्यूल्स आ जाती है उसमें हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं कि 20 परसेंट ब्लेंड करना है हमें इथेनॉल बाय 2025 ट्वेंटी राइट right? उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन uh, योजना है दैट इज़ फॉर बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट गोबर्धन है दैट इज़ अगेन फॉर बायोगैस एंड बायो सी एन जी दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ दैट फ्रॉम द वेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स ऑफ कॉर्स सो दीज आर द वेरियस इनिशिएटिव रूको इनिशिएटिव सो यू कैन मैंशन द इनिशिएटिव एंड फाइनली यू कैन मैंशन वन और टू बेनिफिट्स वट आर द चैलेंजेस ठीक है दैट देर इज लैक ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है देर इज लैक ऑफ सप्लाई चेन वो सब आप चैलेंजेस लिख सकते हैं एंड फाइनली वे फॉरवर्ड में आप कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स और लेती रहेगी तो हम शायद जो फ्यूल शॉर्टेज है उसको और ज्यादा ओवरकम कर देंगे इसमें एक रिसर्च uh, पे भी आप कमेंट्री दे सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और करने की जरूरत है ताकि हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो और एफिशेंट वे में हो पाए एफिशियट वे में एक इकोनॉमिकल वे में हो पाए देन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वॉट इज ऑयल पोल्यूशन तो आप ऑब्वियसली बताएंगे ऑयल पोल्यूशन क्या होता है क्या क्या फॉर्म्स होते हैं ऑयल पल्यूशन के देन उसका क्या इम्पैक्ट है मेरीन इकोसिस्टम पर आप इम्पैक्ट्स बता देंगे एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो कोर्ट के वाई इज इट हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया सो यू कैन राइट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स इफ़ यू कैन कॉन्टेक्सचुलाइज with respect to india then it will be even better but you have to keep in mind that it is a 150 words answer to aap zyada space nahi le sakte hain right Three-four points each so oil pollution ki baat kare so it is the most glaring of the oceanic pollution Oil pollution mostly जो होती है oil spills की फॉर्म में ही होती है अब oil spills जो है transport के दौरान लीक हो सकता है जब आप ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स के दौरान लीक हो सकता है या जब वो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन फैसिलिटी पे लीक हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया उसके कारण लीक हो सकता है इट कैन बी अ रिजल्ट ऑफ़ एनी नेचुरल डिज़ास्टर ठीक है सो दीज आर द वेरियस रिजन्स दीज आर द वेरियस कॉजि ऑफ ऑयल स्पिल्स और ऑयल पल्यूशन न देन यू कम टू द इम्पैक्ट राइट नो वेन वी इफ़ यू कैन कोट वन और दी अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल स्पिल्स वो भी अच्छा है यू कैन ऑल्सो राइट कि ऑयल स्पिल्स मेजर एक्सीडेंट्स भी होते हैं मेजर uh, एक्सीडेंट्स की फॉर्म में भी हम देखते हैं और ऑयल स्पिल्स कभी कभी थोड़े बहुत ऑयल स्पिल्स के जो स्कैटर्ड इंसिडेंट्स हैं वो भी होते रहते हैं विच डू नॉट एक्चुअली मेक टू द न्यूज़ ऑल्सो राइट तो ऑयल स्पिल्स और ऑयल पोल्यूशन इज दैट कॉमन अब अगर हम इसका इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में देखो बिकॉज इट इज़ अ लाइटर देन वाटर तो ये थिन लेयर बना लेता है कटिंग ऑफ ऑक्सीजन तो जब ऑक्सीजन का कट ऑफ होता है तो शेलफिश फ़िश जितनी भी बायोडावर्सिटी है वो इट डाइज बिकॉज ऑफ सफोकेशन एंड बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स राइट उसके बाद जो बर्ड्स और बाकी जो हायर एनिमल्स हैं जो इनके ऊपर फीड करते हैं दे ऑल्सो डाई ड्यू टू पॉइजनिंग सो एक तरह से ना पूरा मेरीन एकोसिसटम ही इम्पैक्ट होता है दैन यू कैन ऑल्सो राइट टेरिस्ट्रियल जो लाइफ है जो मेरीन एकोसस्टम्स के आसपास जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें भी uh, जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है सो इवेंट्स लाइक बेदिंग बोटिंग राफ्टिंग ऑल ऑफ देम आर इफेक्टेड ठीक है सो ओवरऑल आप मेरीन इकोसिस्टम्स के ऊपर इम्पैक्ट बता सकते हैं देन यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द इम्पैक्ट ऑन द एनिमल्स लाइक दे कैन चोक

अब जब ऑयल आ जाता है तो दे कैन नॉट डिटेक्ट देयर नेचुरल बॉडी सेंट तो दे कैन नॉट फाइंड दोज बेबी एनिमल्स है ना उनको नहीं मिल पाते वो तो इवेंचुअली बिकॉज दे कांट प्रोवाइड फॉर दे आर स्मॉल दे दे आर स्टिल एमचोर तो दे डाई ठीक है सो वो है एनिमल्स दे बिकम डाई एनिमल्स दे बिकम ब्लाइंड ऑल्सो सो दिज आर ऑल दी इम्पैक्ट्स ठीक है दैन यू कैन कॉन्टेक्चुलाइज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो बिकॉज मोरऑल एज द इम्पैक्ट्स वुड रिमेन द सेम उसके बाद इसमें भी ना वे हेड में डो मैंशन द क्लीनिंग मेथर्ड ठीक है सो वी हैव कैमिकल्स एंड बायोलॉजिकल पार्टिकल्स लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ओलीवो ओलि वायरस ठीक है वो जो हमारे पास इनिशिएटिवस हैं टेरी का है Uh, उन्होंने यू नो बायो रेमिडिएशन के थ्रू जो बैक्टीरिया बनाए थे वो ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद दे कैन ऑल्सो भी बर्निंग ऑफ द ऑयल विच इज़ स्लाइटली डेंजरस और यू कैन यूज दी सेंट्री फ्यूज टू सेपरेट द ऑयल फ्रॉम दी वाटर सो दे कैन बी ऑब्वियसली वेरियस क्लीनिंग अप मेजर्स बिसाइड्स ओब्वियसली द मेजर्स विच आर लाइक टेकिंग ओर प्रिकॉशंस सो दैट सच काइंड ऑफ लीकेजेस एंड एक्सीडेंट्स डोंट अक राइट तो दिस इज़ रिगार्डिंग योर ऑयल पोल्यूशन पार्ट

कि कैसे वो कार्बन इमिशंस को कम करते हैं और कैसे वो बेटर है ट्रेडिशनल कार्बन ट्रेडिशनल आइस से इंटरनल कम्बशन इंजन से दैट इज़ द मेन बॉडी दैट इज़ द मेन बेनिफिट्स वाला पार्ट ठीक है सो यू कैन कॉन्टेक्चुलाइज बाई राइटिंग अ लिटिल बिट अबाउट ई वीज एंड देन बॉडी में आप ये लिखेंगे उसके बाद डो मैंशन कि आप ई वीज़ के फ़ायदे तो बहुत दिखा रहे हो लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो है जो हम फेस कर रहे हैं ठीक है उसके बाद आप थोड़े बहुत मेजर्स बता सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मेजर्स ले रही है एंड फाइनली वे फॉरवर्ड सो दैट इज गोइंग टू बी अ टू फिफ्टी वर्ड्स क्वेश्चन तो ई के जैसे आप स्टार्टिंग में अब देखो पहली लाइन है कि ईवीज का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, है ना तो वही आप बता दोगे कि ईवीज का अगर हम पेनिट्रेशन देखें थर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट है एशिया में सेवेंटीन पॉइंट थ्री परसेंट है ठीक है इंडिया में अभी सिर्फ वन पॉइंट वन परसेंट है बट ऑबियसली इट इज गोइंग इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट नाउ देन एडवांटेजेस अब देखो इको फ्रेंडली हैं कार्बन फुटप्रिंट और एयर पोल्यूशन दोनों को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं कैसे हेल्प करते हैं दैट वाज आल्सो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर तो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है ठीक है और अगर इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आ रही है तो ऑबियसली जो कार्बन इमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और आने वाले टाइम में ना के बराबर ही हो जाएंगी बिकॉज जो ट्रेडिशनल इंटरनल कमर्शन इंजनस हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं तो मेनली आपको इन दो पॉइंट्स के अराउंड अपना जो आंसर है उसको रिवॉल्व करना है उसके बाद अदर एडवाटेजेस करके आप लिख सकते हैं कि बिकॉज आपका कन्वेंशनल फ्यूल से डिपेंडेंस कम होगा तो आपका इम्पोर्ट बिल कम होगा आपका फॉरिक्स बचेगा आपकी इनर्जी डिपेंडेंसी कम होगी आपकी इनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी ठीक है वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं Uh, उसके बाद यू कैन मैंशन सम अबाउट द इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग फॉर इवन मोर पेनीट्रेशन ठीक है आप उनके बारे में लिख सकते हैं जैसे हमारे पास फेम स्कीम है एन ई एम एम पी है दो हज़ार बीस जो कि दो हज़ार तेरह में आया था ठीक है uh, ट इनकम टैक्स डिडक्शन है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ये सब कुछ ठीक है वो आप सब लिख सकते हैं बट यू है ऑल्सो हैव टू मैंशन द चैलेंजेस नो चैलेंजेस कैन बी टू फोल्ड की एक तो हमारे पास चार्जिंग इन्फ्रा की कमी है ठीक है देन वी डोंट हैव लीथियम रिजर्व्स ठीक है तो लीथियम बेस्ड बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी डिपेंडेंसी uh, जो है वो रहेगी और अगर हम बात करें तो एक आपका चार्जिंग से रिलेटेड आएगा कि चार्जिंग एग्जिस्ट नहीं करता स्लो चार्जिंग है और लोगों को रेंज एग्जाइटी होती है वो सब चैलेंजेस हैं इसकी अडॉप्शन में और दूसरा पॉइंट जो है वो मैन्यूफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा तो ये दो आप चैलेंजेस कर सकते हैं एंड फाइनली यू कैन मैंशन द वे फॉरवर्ड कि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर्स ले रही है अगर वो लेते रहे तो हमारा जो टारगेट है ई वी थर्टी या थर्टी का कि दो हजार तीस तक हम तीस परसेंट सेल्स ई वीज की करेंगे वो ईजिली अचीव हो जाएगा ठीक है दैट्स वे यू कैन कंक्लूड ऑन अ पॉजिटिव नोट

ठीक है अब देखिए एन डब्ल्यू सी पी की अगर हम बात करें तो ये नाइनटीन एटी फाइव एटी सिक्स में लॉन्च किया गया था और इट वॉज लॉन्च इन वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बट लेटर ऑन इट एक्सपैंड टू मोर वेटलैंड्स और अगर हम क्राइटेरिया की बात करें कि कौन से वेटलैंड्स इसमें इंक्लूड होते हैं तो वो रामसर कन्वेंशन ऑन वेट के, के अंडर ही आता है प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इट हैज़ बीन मर्जड अंडर नेशनल प्लान फॉर कॉन्जर्वेशन ऑफ एक् वेटिक इको सिस्टम जिसमें वेटलैंड्स और लेक्स दोनों हैं और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दो हज़ार पंद्रह में इनको यू नो मर्ज कर दिया गया था ताकि बेटर एनर्जी और ओवरलैप uh, जो है अवॉइड ओवरलैप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनस तो आप ब्रीफ़ इसके बारे में दे सकते हैं उसके बाद में इन्होंने पूछा है इस प्रोग्राम के ऊपर कमेंट करो <coughs> तो वेटलैंड्स uh, के अगर हम देखें तो सिंपल है वेटलैंड्स एन डब्ल्यू सी पी के फ़ायदे या क्या फ़ायदा हुआ है तो आप बता सकते हो वेटलैंड्स कंजर्व करने में इसने बहुत हेल्प करी है यू नो एंड वेटलैंड्स आर आ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सो एक uh, जिसे कहते हैं ना एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो सब चीज़ें हैं और uh, पहले जो अवेयरनेस कम थी उस अवेयरनेस को जनरेट किया फ़ंड्स लेकर आए ऑल ऑफ दैट एडवांटेजेज यू कैन राइट और साथ में ही ना आप ये भी लिख सकते हो कि ठीक है वेट हैव बीन रिवाइव बट अभी भी जो चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट वो एग्जिस्ट करते हैं अभी हमें और पैसों की जरूरी ज़रूरत है और यू नो वी नीड मोर मनी मोर रिसोर्सेज बी इट फाइनेंशियल बी इट ह्यूमन तो वो चैलेंजेस में आप लिख सकते हैं एंड फाइनली जो सेकेंड पार्ट था उसमें आप रामसर साइट्स के बारे में बता सकते हैं कि आप पचहत्तर रामसर साइट्स हैं इंडिया में या वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं और पहली केवलादी और चिलिका थी और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है फोर्टीन ठीक है ऐसे दो तीन लाइनें लिख सकते हैं और उसके बाद यू कैन मैंशन अबाउट थ्री फोर वेटलैंड जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे केबलम जॉ के बारे में बता दिया चिलिका के बारे में बता दिया केवला दियो नेशनल पार्क के बारे में बता दिया मतलब जो भी आपको उस टाइम पे चार पाँच याद आ रहे हैं उनके बारे में एक आधी लाइन आप लिख सकते हैं राइट सो दैट वॉज रिगार्डिंग दिस एंड लास्टली जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ सी लेवल राइस अब आई पी सी सी ने बोला है ग्लोबल सी लेवल राइस हो वन मीटर्स बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड ठीक है तो आप सी लेवल राइस के बारे में बता देंगे और उसके बाद इम्पैक्ट पूछा है ठीक है तो पहले आप सी लेवल राइस के बारे में कौन कर देंगे इंट्रोडक्शन में उसके बाद आप इम्पैक्ट्स बताएँगे ठीक है उसके बाद आप बताएँगे कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसमें आप मेजर्स में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ही फीचर्स लिख देंगे ठीक है अब देखो दो चीज़ें हैं जब हम मेजर्स टू ओवरकम में क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करेंगे तो वो मिटिगेशन वाले हो गए है ना उसके बाद अब जहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है वहाँ पे अडाप्टेशन की बात भी हम करेंगे तो इन दोनों मेजर्स पे इन दोनों चीज़ों पे हम मेजर्स में लिखेंगे एंड फाइनली वी फॉरवर्डेड कंक्लूजन कि अगर हम जो मेजर्स ले रहे हैं उनको और प्रोएक्टिवली लेंगे तो शायद हम सी लेवल राइज को थोड़ा बहुत रोक पाएँ तो सी लेवल राइस के बारे में बता सकते हैं ठीक है सो so, अब दो रीजंस की वजह से सी लेवल राइस होता है जो ग्लेशियर्स है क्योंकि अर्थ वार्म हो रहा है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं आइस शीट मेल्ट हो रही है अनप्रेसिडेंटेड रेट पे, तो वो लेवल बढ़ाती हैं और दूसरा रीज़न होता है कि जब सी वाटर वार्म होता है तो वो एक्सपैंड करता है ठीक है सो ये दो हमारे मेजर जो रीज़न्स हैं उसके बाद इम्पैक्ट की अगर हम बात करें ना अब इम्पैक्ट में एक तो जो जेनरिक इम्पैक्ट है कि ज़्यादा सॉल्ट वाटर इंप्रूजन हो जाएगा जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा परमानेंट इननडेशन हो सकती है लो लाइंग एरियाज डूब सकते हैं स्टॉम सर्जिस एम्पलीफाई हो जाएंगे शोर लाइन इरोजन डिग्रेडेशन ठीक है एक तो ये है आप इसको और एक्सपैंड भी कर सकते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस में आप बोल सकते हैं कि जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है ठीक है वो और ज़्यादा यू नो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इट इज़ बिकमिंग इवन मोर स्टार्क एंड दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देन यू कैन राइट दैट जो एनिमल्स हैं कुछ एनिमल्स या प्लांट्स तो सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस राइज इन टेम्परेचर बट अदर्स कैन नॉट ठीक है तो इम्पैक्ट्स में आप ये सब लिख सकते हैं देन लास्टली देखो मेजर्स में मैंने लिखा नहीं है जैसे आप अडापटेशन में लिख सकते हैं कि आप जो लो लाइंग सिटीज़ है उनमें एम्बैकमेंट्स बना दें उनमें अकॉर्डिंगली इंफ्रा डेवलप करें ठीक है वो सब लिख सकते हैं और मिटिगेशन में जो इंडिया मेजर्स ले रहा है और जो ग्लोबल लेवल पे मेजर्स हो रहे हैं जैसे ग्लोबल लेवल पे पेरिस अग्रीमेंट है इंडिया uh, अपने लेवल पे हमने अभी पंच अमृत दिया है एन दिए हैं वो सब आप मेजर्स लिख सकते हो एन लिख सकते हो वो सब मेजर्स लिख सकते हो एंड फाइनली वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूड कर सकते हो राइट right? तो दैट वॉज रिगार्डिंग द फाइव क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं लास्टली हमारी प्रलम्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही है अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं यू कैन कॉल ऑन आर टोल फ्री नंबर दैट इज़ वन एट डबल जीरो एट नाइन जीरो थ्री जीरो फोर थ्री फॉर ऑल द डिटेल्स दैट वॉज ऑल फ्रो माई साइड हैव अ गुड डे थैंक यू